राजधानी देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अल्मोड़ा बस दुर्घटना में हुई असामयिक मौतों पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उनकी आत्माओं को प्रभु श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की है। इसके साथ ही उन्होंने घटना में घायलों के भी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की उम्मीद जताई। वहीं उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और हर संभव मदद की जाएगी। बता दें कि सीएम धामी के निर्देश पर प्राथमिक रूप से लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की गई है, साथ ही घटना की जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, आज अल्मोड़ा के अंदर सट में जो बस दुर्घटना हुई बहुत ही दुखदायी है। अनेकों लोग हताहत हुए हैं, 30 से अधिक लोगों की जिंदगी चली गई है। मैं अपनी ओर से मृत परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो भी दोषी हैं उनको कार्रवाई उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और घायलों को उचित उनको एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ उनकी चिंता हो, हॉस्पिटल में उनका इलाज अच्छे तरीके से हो, इसका सरकार पूरी तरह ध्यान रखने वाली है। मैं सभी मृतक परिवारों के प्रति और घायलों के प्रति इस भाव के साथ कि ईश्वर घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे और मृतक परिवारों को अपने चरणों से चरणों में स्थान दे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ।